हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीना जैन। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी कुकिंग लैब। ज्यादातर बहुत सारी रेसिपी में हमको बटर की जरूरत रहती है, और बाहर का बटर हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं होता और प्राइस वाइज भी बहुत ही कॉस्टली रहता है। तो आज हम घर पे बहुत ही कम समय में और आसानी से अमूल जैसा बटर बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में घी लेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ कप घी लिया है। घी आप कोई भी ले सकते हैं, पर खास आपको घी लिक्विड फॉर्म में ही लेना है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/4 स्पून जितना मैंने नमक डाला है इसमें, और मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच जितना बेकिंग सोडा डाला है। आप नमक अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। थोड़े से आइस के टुकड़े डालेंगे इसमें। आप यहाँ पे कलर या हल्दी थोड़ी 1/4 स्पून डाल सकते हैं, पर मैं कलर नहीं ला रही हूँ, प्योर बना रही हूँ आज। अब इसे धीरे धीरे करके फैट लेंगे। इसे कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक हमें फैटना है। आप मेरी चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी ही नई और यूनिक रेसिपी अब तक रोज पहुंचती रहे। देखिए, मैंने इसे कंटिन्यू 2 से 3 मिनट हिलाया है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये काफी बटर में कन्वर्ट हो रहा है। 3 मिनट इस तरह से फैटने के बाद अब हम इसमें से जो आइस के टुकड़े डाले थे वो निकाल देंगे। एक मिनट के लिए वापस इसे थोड़ा सा मिक्स करके फैट लेंगे। अब इसे हम एक बाउल में सेट करके फ्रीज में रखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बाउल लिया है जिसमें बटर पेपर को मैंने रखा है। बटर पेपर के ऊपर अब हम सारा बटर निकाल के इस तरह से स्पून से दबाते हुए इसे सेट करेंगे। सारा बटर मैंने इस तरह से इसमें निकाल लिया है। इस तरह से हल्के हाथों से स्पून से दबाते हुए इसे सेट करेंगे। इस तरह से मैंने इसे स्पून से सेट कर लिया है। अब हम इसे बटर पेपर से कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। डीप फ्रीजर में रखना है हमें। अब हम इसमें से ऊपर से बटर पेपर निकाल देंगे। बटर नाइफ की मदद से मैं इसे निकाल रही हूँ इसमें से, देखिए। अब इसके नीचे जो बटर पेपर लगा था वो भी हम धीरे से निकाल लेंगे इसमें से। देखिए, मैंने इसमें से सारा बटर पेपर निकाल दिया है। अब हम इसे एक मिक्सी जार में लेके 2 मिनट के लिए क्रश करेंगे ताकि और भी ज्यादा स्मूथ हो जाए। बटर को मैंने मिक्सी में पीस के स्मूथ कर लिया है 2 मिनट के लिए। अब मैं वापस इसे स्क्वायर बाउल में सेट करूंगी जिसके लिए मैंने बटर पेपर लगाया है, देख सकते हैं आप। अब इसमें मैं सारा बटर निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि बटर कितना स्मूथ हो गया है। सारा बटर मैंने इसमें निकाल दिया है। अब मैं स्पून से इसे सेट कर लूंगी वापस। पहले के जैसे ही हमें इसे सेट करना है, हल्का सा स्पून से दबाना है इसे। देखिए, इस तरह से ये सेट होने के बाद मैं इसे वापस से कवर कर लूंगी बटर पेपर से, और हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा शेप देंगे दबाते हुए, और वापस मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख दूंगी। इस बार हमको डीप फ्रीज में नहीं रखना है, हम फ्रीज में रखेंगे इसे। 1 घंटे के लिए इसे सेट होने देंगे। 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे से थोड़ा ऊपर मैंने रखा है फ्रीज में इसे। देखिए, मैं निकाल के दिखाती हूँ। बाहर का अमूल बटर जो सेट करते हैं वो लोग, उसमें वो मशीनरी यूज करते हैं इसलिए उनका परफेक्ट शेप रहता है, पर सच में ये लूप वाइज भले ही इतना परफेक्ट बाहर जैसा नहीं हो, पर टेस्ट में बिल्कुल बाहर जैसा बनता है। देखिए, मैं इस बटर को ब्रेड पे स्प्रेड करके आपको दिखा रही हूँ। इसकी जो स्मूथनेस है वो भी बिल्कुल बाहर के बटर जैसी है। एक बार पक्का आप इस रेसिपी से घर पे बटर बनाइए, कभी भी आप इसके बाद बाहर का बटर लाना नहीं चाहेंगे। इतना स्मूथ, इतना यमी, बिल्कुल बाहर जैसा बनता है ये। और खास बात तो ये है कि हम इसमें बिल्कुल केमिकल भी नहीं डाल रहे हैं, और इसे आप जब चाहे बहुत ही कम समय में बना भी सकते हैं। तो आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए,
और मुझे आपके ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।